अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सबका आई होप सब ठीक होंगे तो अभी ऑलमोस्ट तीन बज रहे हैं और मौसम बाहर इस हद का प्यारा हो रहा है बारिश बस लाइक और पाँच मिनट में पड़ जाएगी बिकॉज जिस शिद्दत से बादल गरज रहे हैं ना तो उससे फिर हवा भी ठंडी हो जाएगी अभी हवा चल रही है लेकिन उस तरह से ठंडी नहीं है तो बस अभी सोचती हूँ कि क्या करना है आज प्लान यही है कि बाहर खाना खाएँगे इंशाल्लाह और मैंने थोड़ा सा किया है बट आई थिंक वैक्यूम दोबारा फेरती हूँ बिकॉज एनम ने नीचे टॉयज़ वगैरह काफ़ी किए हैं तो वैक्यूम कर एक दफ़ा uh, बाकी इसकी जो टॉय बास्केट है थी ना उसमें अपने टॉयज डाल लेती है सो so, वो बड़ा सही रहता है किचन साफ़ है बिल्कुल सो so, देखते हैं क्या करना है आई लव दिस कॉर्नर पता नहीं आप आप लोग मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है बट uh, मुझे पर्सनली इतना प्यारा लगता है ना लाइक कि दिस रियल प्लांट की जो ग्रीनरी होती है और एक जो फ्रेशनेस होती है ना आई थिंक um, कुछ लोगों ने कहा था आर्टिफिशियल ना आप इस तरह से ले लो बट आई वाज लाइक नहीं मैंने ना रियली लेना है बिकॉज उसकी एक फ़ील डिफरेंट है मुझे बहुत डर लगता था uh, मुझे टेंशन होती थी कि जेनब लेना इतने से मट्टी निकालनी है बट शुक्र पाकर उसको उस चीज़ का अभी तक पता ही नहीं चला और वैसे भी तो टाइट जगह में आगे टेबल रख देती हूँ तो लाइक शुक्र उधर तक नहीं गई अच्छा तो बाहर से मंगवाने के बजाय ना मैंने ना घर में ही पिज़्ज़ा बनाने का सोच लिया था सबसे पहले डो बना के रख ली और डो को भी जब राइज़ हो जाती है ना तो मैं उसके बाद उसके पेड़े बना के रख देती हूँ तो उससे और ज़्यादा अच्छा ना वो आ, फैलता है तो खैर इसके जो मैंने इसको फ्लैट मैंने रोटी मेकर में जो कर लिया बड़ा अच्छा उससे इक्वल और राउंड सी एक शेप बन जाती थी तो बड़ी सी से आसानी हो गई थी और सॉस और चिकन भी मैंने साथ ही बना के रख लिया था आज पहले ही वेजिटेबल सारे काट लिए हर चीज़ तैयार थी तो बस अब मैं इसकी था कि रोटियाँ बना के इसकी ड्रेसिंग करना शुरू करती हूँ अच्छा दूसरा ना मेरा ये भी था कि हम लोग ना अक्सर इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे फेसबुक पे हम लोग देखते हैं जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो हम लोगों को देखते हैं और तो हमें लगता है कि शायद ना इनकी ज़िंदगी बड़ी परफेक्ट जा रही है और कोई मसले नहीं है और कुछ इस तरीके से नहीं है बट uh, दर हकीकत ना ऐसे होता नहीं है हर की जिंदगी में ना uh, अपने मसले होते हैं और कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद होती है कि वो लोगों के सामने अपने मसले रख देते हैं और कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद होती है। अगर मैं अपना बताऊँ आपको तो ऐसे ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पर आके अपनी कोई कोई भी आपकी कोई जो मुश्किल हो उसके बारे में बात करना तो दूर की बात में तो मुझे हर बंद की जैसे नेचर होती है मुझे ये भी नहीं पसंद कि मैं अपनी फैमिली के साथ भी इस तरह की कोई चीज़ डिस्कस करूँ शुरू से ऐसी आदत थी स्कूल का कुछ हो ऑफिस का कुछ हो मेरे में ये चीज़ नहीं है कि मैं डिस्कस करूँ हाँ आ, बट एक ये चीज़ है शादी के बाद ये बहुत होता है कि उस्मान से मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ करती हूँ लाइक एवरी लिटिल थिंग ना कोई भी मुझे चीज़ बुरी लग रही है आ, तो मैं जरूर उस्मान से बात कर लेती हूँ अदरवाइज मुझे नहीं आदत तो फिर इस तरीके से ना कभी ना अपनी लाइफ को ना किसी और की लाइफ के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए और कभी ये नहीं सोचना चाहिए जैसे मैं अगर एक ही चीज़ लगाऊँ कि आप किसी की लाइफ में देखो कि अच्छा किसी के पास आसानी के लिए डिफरेंट गैजेट्स हैं कोई किसी वैक्यूम है कोई ये चीज़ है उसकी ज़िंदगी में ना किसी और किस्म के कोई मसले होते हैं और वही जो चीज़ें ना कि जो छोटी छोटी खुशियाँ ना आपको ना उसमें खुश होना चाहिए और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में अलहदुल्ला मैं कोई अपनी वो चीज़ नहीं कह रही लेकिन मेरी नेचर है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत खुश हो जाती हूँ लिटरली ये चीज़ है कि अगर आ, मुझे क्रसौंस बहुत पसंद है मुझे आ, एक कपकेक होता है इनका रेडीमेड मिलता है मुझे वो बहुत पसंद है तो अगर तो मेरे लिए बकाला से गए और मैंने कहा नहीं है बस वो ले आते ना तो लिटरली मैं ऐसे खुश होती हूँ कि जैसे किसी छोटे बच्चे को आप लोगों ने कोई उसकी पसंद की चिप्स जूस लेके दे दिया लिटरली तो अलहमदिल्ला मैं हमेशा अल्लाह पाक से दुआ भी ये करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे हमेशा छोटी खुशियों में ही खुश रहने की तौफीक है फरमा के ये ना हो कि कोई बहुत कोई बड़ी बड़ी चीज़ें हों तो बस मुझे उसी से खुशी मिले उससे ज़िंदगी ना बड़ी अच्छी बन जाती है छोटी छोटी चीज़ों से खुश हैं मेरा पिज़्ज़ा अच्छा बन गया मेरा खाना मजे का बन गया तो अलहमदिल्ला यहाँ पे भी आज मैं बहुत खुश थी बिकॉज़ पिज़्ज़ा शक्ल से भी बड़े मज़े का लग रहा था अलहमद बाद में जब तैयार हो जाएगा तो दिखाऊंगी तो अकल से भी बहुत मज़े का था दो मैंने अपने दोस्त मान के और एक जैनब का मैंने चीज़ पिज़्ज़ा बनाया था तो बस अच्छा जब मैंने उसको बेक के लिए डाला ना तो दूसरी तरफ ना बिल्कुल ना थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था अच्छा पहले मैं सोचूँ इसको थोड़ी सी बोटियाँ इसको फ्रिज में रख दूँ फिर मैंने कहा ज़ाया हो जाने साथ मुझे प्रिंगल्स नजर आ गए तो मैंने ना वो प्रिंगल्स और दो चार बूटियाँ उसके ऊपर रख के तो मैंने ना उसको प्लेट में रख दिया मैंने कहा दो खुद खा लूँगी दो जाके उस्मान को दे दूँगी तो वो लिटरली हालांकि बंदा वैसे ही बस आ, जैसे ये इधर ये पड़ा इधर वो बच गया तो उससे एक स्नैक बना लेता लेकिन मुझे इतना मज़ा आया ना और जी जैसे अवन अच्छे से प्री हीट हुआ हो तो पीजे बड़े ही मज़े के ना आ, मुझे चीज़ ऐसे ऊपर से ज़्यादा डार्क हुई भी अच्छी लगती है बट जिसकी मैंने डार्क नहीं करनी थी जैनब की उसकी सबसे ज़्यादा डार्क हो गई बट इट्स ओके उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस करके दे दिए बट मेरे और उस्मान के ना बड़े ही मज़े के वो हुए थे और मुझे ना नीचे से डो थोड़ी सी क्रि क्रिस्पी सी पसंद है ज़्यादा नहीं कि आकर ही जाए बट हल्का हल्का क्रिस्प मुझे पसंद है सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा लग होगा वे लॉग प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टेक केयर अल्लाह हाफिज़